आज सुबह विदिशा जिले के सिरोंज में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां 2 दिन पूर्व देह संस्कार करने के बाद आज जब परिजन अस्थियां लेने शमशान पहुंचे तो परिजनों को अस्थियां गायब मिली। जानकारी के अनुसार 17 मई को 80 वर्षीय बुजुर्ग मोहन बंसल का देह संस्कार लटेरी रोड स्थित शमशान घाट पर किया गया था। आज सुबह जब परिजन अस्थियां लेने शमशान घाट पहुंचे तो अस्थियां गायब थी, जिसकी शिकायत तुरंत परिजनों ने स्थानीय अनुभागीय अधिकारी अंजलि साहा को की। वहीं शिकायत सिरोंज थाने में भी की गई है। सिरोंज पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत शमशान घाट पर तलाशी शुरू कर दी है। वहीं आम लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि यह मामला तंत्र मंत्र जुड़ा हो सकता है। सिरोंज से नरेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। सर, जो आज ये घटना हुई अस्थि चोरी, क्या मामला है सर पूरा? आज सुबह ही सुबह ये जानकारी प्राप्त हुई है कि सिरोंज मोहन बंसल जी जो करीब 80 साल के थे, इनका 2 दिन पहले देहावसान हो गया था। तो इनके परिवारजनों ने शमशान घाट में ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया था। आज तीसरा करने के लिए जब ये वहाँ पहुँचे थे तो इनकी पिता से अस्थियाँ नहीं मिली हैं। इस संबंध में उनने थाने पर एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है और वहाँ आसपास कुछ लोग रहते हैं, रुकते हैं। एक पागल महिला भी वहाँ आसपास रहती है। इस संबंध में हम लोग उन लोगों से चर्चा कर रहे हैं और जानकारी प्राप्त करने का प्रयास। आपका प्रकाश अग्रवाल, ये समझन में क्या घटना हुई है? ये हमारे काका जी हैं परिवार के, परसों हम इनकी अंत्येष्टि करके गए। आज हमारे यहाँ तीसरा होता है, उसका हम कार्यक्रम करने आए थे तो यहाँ से पूरा सामान गोल था। हमारे यहाँ की सारी अस्थियाँ इलाहाबाद जाती हैं। अब हमारे को कोई मतलब भेजने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या नाम है इनका? ब्रजमोहन दास जी अग्रवाल। ये परसों दिन आए थे तो आपने आज आके देखा कुछ भी नहीं है? हाँ। तो आपने शिकायत करी है कहीं क्या? हाँ, यहाँ पे हमने सीएम हेल्पलाइन पे भी करी, और सीएम हेल्पलाइन पे भी शिकायत की है, थाने में भी रिपोर्ट डाली है, नगर पालिका सीएम और साहब को भी अवगत करा दिया। क्यों साहब ने सपोर्ट करने से कोई सहयोग नहीं करा? थाने से कोई आया? थाने से टीआई साहब आए थे, पूरा मौका मुआवजा करके ले। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।